बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। फिर सुन लीजिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ फॉर या ऑफ इक्वलिटी ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल या अनइक्वल। ठीक है, ये इक्वल या अनइक्वल से क्या मुराद है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हमने मोर देन टू प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी को टेस्ट करना है कि वो आपस में इक्वल हैं या उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। ये अनइक्वल से मुराद मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और आपस में इक्वल से मुराद वो आपस में इक्वल है। ये जितना है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इतना है नहीं, बहुत इजी है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो अगले टॉपिक पे जाने से पहले अगर हम पिछले लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने पिछले लेक्चर में वन वेरिएंस की इंटरवल एस्टीमेशन पढ़ी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने इसका काई स्क्वायर का यूज़ होता है और उसमें हमने इसका पूरा फार्मूला जनरेट जो है ना वो ड्राइव किया था। ठीक है, तो हमने उसके बाद उसमें फार्मूला ड्राइव करने के बाद हमने फिर उस फार्मूले से रिलेटेड हर तरह का जो चूँकि उसमें तीन शक्लें थी फार्मूलों की, तो तीनों तरह का एक एक हमने क्वेश्चन कर लिया था और बाकी मैंने आपको मेंशन कर दिए थे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये थी। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन थी वन वेरियंस की या स्टैंडर्डाइजेशन की यूजिंग काई स्क्वायर, और वो काई स्क्वायर ही उसमें यूज़ होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसकी हम ज़रा मैं तफसील आपको बताता हूँ वो क्या है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, अब फार्मूला जो काई स्क्वायर का, इसके बाद यानी आज के लेक्चर के बाद जो ऑनवर्ड थ्रू आउट फार्मूला चलेगा वो हम एक सिंगल फार्मूला रखेंगे। ठीक है, मुदले बुक्स में जब आप आगे काई स्क्वायर के दो टॉपिक से और भी आने वाले हैं, हर टॉपिक पे वो फार्मूला चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक ही फार्मूले पर रखूँ ताकि आपको आगे जितने भी काइस के से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके अंदर आपको फार्मूला चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि इसमें बेसिक आइडिया क्या है। वो ये कह रहा है कि दो सूरतें होंगी कि एच नॉट के अंदर जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, जो प्रोपोर्शंस हैं, या तो वो इक्वल होंगे, एच नॉट की बात हो रही है, ठीक है, या वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये मतलब है यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस, यानी इससे क्या मुराद है, इससे मुराद कुछ यूँ है कि एच नॉट के अंदर कुछ यूं लिखा होगा कि पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन, जितने भी पी हैं, और पी लास्ट जो है लास्ट पी वो इज इक्वल टू किसी एक वैल्यू के इक्वल, जैसे 0.3 कह देता है मिसाल के तौर पे, कि ये सारे जितने भी प्रोपोर्शंस आप इसमें यूज कर रहे होंगे वो 0.3 या किसी एक सिंगल वैल्यू के इक्वल होंगे। अगर तो ये सवाल का सिचुएशन होगी तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसा, आप स्कूल का यूनिफॉर्म देखें तो आपको सब लोग एक जैसे नज़र आते हैं, आर्मी का, पुलिस का, या किसी भी फोर्सेस का यूनिफॉर्म देखें तो आपको एक जैसे नज़र आते हैं। तो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन का मतलब कि तमाम प्रोपोर्शन इक्वल होंगे, तो ये वो क्वेश्चन की बात है। ठीक है, दूसरा होगा मल्टीनोमियल प्रोपोर्शन, सेम यही सिचुएशन होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि हर एक पी की अपनी वैल्यू होगी, यानी पी वन जो है वो अगर 0.1 है तो हो सकता है साथ पी टू दिया जाए कि पी टू की वैल्यू जो है वो 0.4 है, फिर पी थ्री की वैल्यू जो है वो 0.15 है एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऊपर वालों को देखूं तो पी वन की वैल्यू भी 0.3 है, पी टू की वैल्यू भी 0.3 है, पी थ्री की वैल्यू भी 0.3 है, और पी लास्ट जो है उसकी वैल्यू भी 0.3 ही है। इसका मतलब ये तमाम की वैल्यू 0.3 है। सो ये हो गया यूनिफॉर्म, और इसमें हर एक प्रोपोर्शन जो है वो अपनी अपनी डिफरेंट वैल्यू रखता है। अगर इसकी 0.1 है तो इसकी 0.1 नहीं है, 0.4 है। तो ये इस तरह मल्टीनोमियल प्रोपोर्शंस और यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट है, सिवाय इन दो, ये जो दो फर्क मैंने बताए हैं, इसके अलावा सवाल के करने में ज़रा बराबर भी फर्क नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आगे क्वेश्चन के करने के, आप खुद देखेंगे अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए जो काई स्क्वायर का फार्मूला है वो हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और अब से काई स्क्वायर का यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें समझ लें कि क्या चीज़ है, ओ से मुराद है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व जो तादाद होगी। ठीक है,
ये तादाद जो आपको दी हुई होगी किसी चीज़ की, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, ये गिवन होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या होगी, गिवन होगी। उसके बाद इसका मतलब ये ओ ये है जो यहाँ गिवन होगा और पुट होगा। ई से क्या मुराद है, ई से मुराद है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आप खुद फाइंड करेंगे, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वो सीधा सीधा है कैपिटल एन इंटू पी। और ये पी कौन से हैं, ये पी जो है ना ये वाले हैं, एच नॉट से जो पी होंगे ना, ये चाहे वो मल्टीनोमियल प्रोपोर्शन हो चाहे यूनिफॉर्म हो, जो एच नॉट में पी की वैल्यूज हैं उन्हीं से एक्सपेक्टेड का कॉलम बनेगा। जहन में बिठा लें कि जो एच नॉट के अंदर पी की वैल्यूज है अगर वो इक्वल हैं तो जाहिर है तमाम एक्सपेक्टेड इक्वल आ जाएंगी, अगर वो मुख्तलिफ हैं तो तमाम एक्सपेक्टेड मुख्तलिफ आ जाएंगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो पता क्या चला कि इस फार्मूले के अंदर आपको दो ही तो चीजें नजर आ रही हैं, एक ओ और एक ई। ओ गिवन होगा, ई हम खुद फाइंड करेंगे, और ई कैसे फाइंड करेंगे, सीधा सीधा होगा कैपिटल एन इंटू पी। तो पी आई तो समझ आ गई कि एच नॉट से ये पीज आएंगे, तो ये कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन होगा जो ऑब्जर्व का टोटल होगा, ठीक है। ये जो समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज होगा ना, जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं उनका जो टोटल है वो कैपिटल एन होगा, ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। ओ से मुराद ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। तो बहुत सिंपल है। और इसके अंदर जो के माइनस वन है उससे मुराद ये, वो एन माइनस वन नहीं है, अब के से मुराद है केसेस माइनस वन की, हम कितने केसेस लेके जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसान होगा, तो ये आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड कोई और वो हैं 225 से 227 पेज तक, ये 7.18 से 17.25 तक ये क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं वन बाई वन, हम कुछ एग्जाम्पल्स आके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो एग्जाम्पल्स कौन सी दो एग्जाम्पल्स हैं, एक जिसमें यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन है और एक वो है जिसमें मल्टीनोमियल प्रोपोर्शन है। अब हम देखते हैं कि पहले वो एग्जांपल जिसमें तमाम पी आईज आपस में तमाम प्रोपोर्शंस इक्वल है, ठीक है। आप जरा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा, ठीक है जी। जी क्वेश्चन को जरा देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 200 डिजिट्स वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबल्स, ठीक है। एक टेबल्स का सेट था, उसमें बहुत सारे रैंडम नंबर थे। रैंडम नंबर वो होते हैं जो कोई भी नंबर आपके जहन में आए और आप उसको सोच के बोल दें, ठीक। तो वो बिल्कुल अनऑर्डर्ड फॉर्म में थे, बस ऐसे ही आगे पीछे 4, 3, 2, 1, 5, 7, 9, 15, 21, 6, 7, 9, इस तरह वो आगे पीछे लिखे हुए थे, ठीक है। तो आपने रैंडमली उसमें से ना एक एक नंबर आपने ड्रॉ किया, ठीक है। और आपने कितने ये टोटल नंबर ड्रॉ किए, 200 डिजिट्स, यानी 200 दफ़ा ये काम किया। इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये आपके पास 200 है, ठीक है। और यही 200 आपका इस वक्त कैपिटल एन है, ये बात जहन में रखें क्योंकि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। अब इस टेबल से क्या मुराद है कि जब आपने वो डिजिट सेलेक्ट किया तो 18 ट्रायल्स ऐसे थे जिनमें 0 डिजिट सेलेक्ट हुआ, यानी 0 18 दफ़ा सेलेक्ट हुआ, 1 जो है वो 19 दफ़ा सेलेक्ट हुआ, 2 जो है वो 23 दफ़ा सेलेक्ट हुआ, 3 जो है वो 21 टाइम सेलेक्ट हुआ, एंड सो ऑन, 9 जो है वो 15 टाइम सेलेक्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक पूरा नंबर सिस्टम चलता ही 10 डिजिट्स पे। तो इन सब की जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हैं ये आपको ये नीचे दी हुई है, ठीक है जी। अब वो ये कहता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस टू असेस दैट द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस दैट द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ये जो डिजिट्स आपने उठाए हैं यानी 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स का रैंडम डाटा उठाया है, सिर्फ 200 डिजिट्स जो आपने उठाए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल नंबर इन द टेबल फ्रॉम वेयर फ्रॉम विच दीज वर चूजन, क्या इन डिजिट्स की, किन डिजिट्स की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन डिजिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी ये डिजिट्स उस टेबल के अंदर इक्वल तादाद में है जहां से आपने उठाए हैं या इक्वल तादाद में नहीं है। फिर सुन लें, द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर, ये देखेंगे इक्वल नंबर जो है ना, दिस इज द पॉइंट, कि वो डिजिट्स जिस टेबल से आए हैं क्या उसमें 9 भी उतनी दफा था जितनी दफा 8 था, जितनी दफा 7 था, जितनी दफा 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, या जितनी दफा 0 थे,
याल मुख्तसर, क्या 0 से लेके 9 तक डिजिट्स की जो तादाद है उस टेबल में जहां से ये मैंने 200 डिजिट्स का डाटा उठाया है, क्या उसमें तमाम का प्रोपोर्शन इक्वल था या नहीं था? तो ये जनाब क्वेश्चन को समझाया मैंने आपको कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या टेबल, उस टेबल के अंदर इन तमाम डिजिट्स की तादाद इक्वल नंबर्स में है या इक्वल में नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट, क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब आप देखें हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 10, यानी एक पहला डिजिट है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, करते करते जो नौवां दसवां डिजिट है वो 9 है। तो इसका मतलब 10 डिजिट्स की सब की प्रॉबिलिटी क्या होगी, इक्वल 1/10। जैसे देखें ना, डाई की 6 साइडें हों तो हर एक की साइड की प्रॉबिलिटी 1/6 होती है, तो आप समझें कि ये 10 साइडों वाली कोई चीज़ है तो हर साइड की प्रॉबिलिटी अगर इक्वल होगी तो 1/10 होगी ना। तो ये 10 डिजिट्स की इक्वल प्रॉबिलिटी क्या 0.10 है, ये हो गई एच नॉट। तो आपने देखा कि ये वो केस है जिसमें एच नॉट के अंदर तमाम पी आईज की वैल्यूज इक्वल हैं, तमाम प्रॉबिलिटीज इक्वल हैं। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं एच नॉट में तमाम प्रॉबिलिटीज की वैल्यूज इक्वल हैं। क्लियर हो गया जनाब। अब इसकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2, नॉट इक्वल टू P3, नॉट इक्वल टू P4 एंड सो ऑन, नॉट इक्वल टू P10 एंड नॉट इक्वल टू 0.10। नो, बात यह है कि ये या तो सारे इक्वल हैं या इनमें से कोई एक भी मुख्तलिफ हो गया तो वो इक्वल वाली बात कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप जुमला क्या लिखेंगे, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ पी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, या आप लिख लें कम अज कम दो ऐसे पीज हैं जो आपस में मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे अगर P1 की वैल्यू तो 0.10 हो लेकिन P2 की वैल्यू 0.119 हो जाए और फिर 0.34 और एंड तक 0.10 रहे, तो दो तो मुख्तलिफ हो गए ना, यानी सारे इक्वल तो ना हुए ना, तो इसका मतलब पहली एच नॉट ब्रेक हो गई। तो एच नॉट का अल्टरनेटिव सिंपल यूँ लिखना है कि एट लीस्ट टू आइटम्स आर डिफरेंट। जब भी दो से ज़्यादा चीज़ों की इक्वालिटी की अल्टरनेटिव लिखें तो यही जुमला लिखें, एट लीस्ट टू आइटम्स आर डिफरेंट। ठीक, तो ये हमारे पास हमेशा वन टेल टेस्ट ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं है, हमारे पास एच नॉट में, सॉरी एच वन में हमारे पास कोई नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। मैं बात आसान कर देता हूँ, इन सवालों में जिसमें मोर देन टू थिंग्स की टेस्टिंग है उसमें टू टेल नहीं होगा, वन टेल होगा। ठीक, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब हम देखते हैं हमने काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। टेबल से खौफजदा नहीं होना, बहुत सिंपल सा है। ये जो टेबल है ना, इसको आपने ये इस रो को कॉलम में लिखा, यानी इस पूरे डाटा को यूं कॉलम में लिख लिया, डिजिट्स आ गए 0 से लेके 9 तक। उसके बाद आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये जो लिखी है ना 18, 19, 23, 21, 16, 25, 22, 20, 21, 15, ये सारी की सारी ये क्या चीज़ें हैं, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये ऑब्जर्व का कॉलम आ गया। ठीक है, और जिसका टोटल आपको ये आप देखें तो ये नीचे आपको टोटल जो है ये 200 आपको यहाँ पे ये टोटल इसमें मिल रहा है। क्लियर होगी, तो ये ऑब्जर्व्ड का कॉलम है। अब हमें इंतज़ार है कि हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम मिले। तो हमने ऊपर क्या देखा था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपिटल एन और पी के बराबर मल्टीप्लाई करने से आती है। ठीक है, पी आई, आई से मुराद है पी वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन भी मौजूद है, आप और से देखें तो कैपिटल एन क्या है 200, ये कैपिटल एन नीचे 200 मौजूद है, और पी आई का पूरे का पूरा कॉलम एच नॉट से हम उठा सकते हैं, यानी ये जितने डिजिट्स हैं सब की प्रॉपर्टी क्या है 0.10, ये एच नॉट में लिखी हुई है ना 0.10। तो हर डिजिट के सामने ये जो कुछ मैं कॉलम लिख रहा हूँ ये असल में कहाँ से आ रहे हैं, ये मुझे ये वाली वैल्यू मुझे एच नॉट जो है ये वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, ये एच नॉट से हमें ये सारा पी आई आया है, बिल्कुल ऐसे ना जैसे वन मीन की टेस्टिंग में एच नॉट से मी म्यू पुट होता था और प्रोपोर्शन के लिए एच नॉट से पी पुट होता था। तो अब ये मोर देन टू प्रोपोर्शंस में आ गए हैं ना, तो यही पीस जो है ये यहाँ पे पुट हो रहे हैं कॉलम के अंदर। अब हमारे पास एक कॉलम है ओ का ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का और एक कॉलम है पी का, अभी तक हमारे पास ई नहीं आया, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी नहीं आई। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होगी, कैपिटल एन इंटू पी आई। ठीक है, और वो क्या है, कैपिटल एन है 200 मल्टीप्लाई बाय पी आई। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप
हर एक पीआई को जब 200 ये एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% है, तो सारे के सारे एक्सपेक्टेड इक्वल आ जाएंगी, 20 20 20, आप करके देख लीजिएगा। तो ये एक्सपेक्टेड का कॉलम आ गया, ये हमें तलाश थी असल में इस कॉलम की, ठीक है। तो अब हमारे पास आप देखें तो हमारे पास दो कॉलम्स पूरे हो गए, एक ओ और एक ई। हमें क्यों इसका इंतजार था, इसलिए कि कायस करके फार्मूले में एक ओ और एक ई तो हमें चाहिए। ओ गिवन है, ई हमने खुद एन इंटू पी आई करके फाइंड कर लिया, पी आई हमने एच नॉट से जो इक्वल थे वो एज इट इज देख के इधर सबके सामने लिख दी, ठीक है जनाब। तो इसके बाद क्या हुआ, अब आपके सामने ये दो कॉलम मौजूद। अब आपने ये करना है कि हर ओ में से हर कॉरस्पॉन्डिंग ई को माइनस कर देना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आप देखें 18 में से 20 माइनस किया तो ये -2 इस वजह से आए, फिर 19 में से 20 माइनस किया तो ये -1 आया, यानी ओ में से ही ई को माइनस करना है, ओ में से ही ई को माइनस करना है, ई से ओ को नहीं माइनस करना, ओ से ई माइनस करना है, ठीक है। एक ही पैटर्न रखे ना ताकि फार्मूले के मुताबिक चले। सो हर ओ में से कॉरस्पॉन्डिंग ई माइनस, हर ओ में से कॉरस्पॉन्डिंग ई माइनस करेंगे तो ओ माइनस ई का कॉलम बनता चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये सारा कॉलम बन गया, ये 25 में से 20 माइनस करो तो ये 5, तो आप हर एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग ई माइनस कर दें तो ये ओ माइनस ई आ गया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये ओ माइनस ई की बात तो आ गई है, ठीक। अब हमें ओ माइनस ई के कॉलम का हमें स्क्वेयर लेना है, सो हर ओ माइनस ई की वैल्यू का आप स्क्वेयर ले लें। सो -2 का स्क्वेयर 4, -1 का स्क्वेयर 1, 3 का स्क्वेयर 9, 1 का स्क्वेयर 1, -4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25 एंड सो ऑन, -5 का स्क्वेयर 25। तो अब ये आपके पास ओ माइनस ई स्क्वेयर आए हैं, अभी ये काई स्क्वेयर का वो फाइनल नहीं हुआ, अभी आपके पास सिर्फ ये काई स्क्वेयर के फार्मूले की ये ऊपर वाला हिस्सा आया है। अब आपने हर ओ माइनस ई स्क्वेयर की वैल्यू को अपने कॉरस्पॉन्डिंग ई पे ही डिवाइड कर देना है। कैसे, ये ओ माइनस ई आपके पास आ गए थे ना सारे, ओ माइनस ई क्या है 4, और कॉरस्पॉन्डिंग ई क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई क्या चीज है, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई आपके सामने मौजूद है, मैं बताता हूं जी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई है 20। सो 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे ना, 4 डिवाइड बाई 20, आपके पास ये 0.20 ये जवाब आएगा। फिर ओ माइनस ई का स्क्वेयर है 1, 1 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.05। फिर ओ माइनस ई का स्क्वेयर है 9, 9 को जब अपने कॉरस्पॉन्डिंग 20 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा ये। तो इस तरह ये सारा कॉलम बनता चला जाएगा। तो जब आप देखें ये उस काई स्क्वेयर का समेशन के बगैर वाला हिस्सा बन गया, और सिर्फ हमने इसका जब समेशन लिया ये नीचे, ठीक है, तो ये असल में हमने इस कॉलम का एक समेशन लेना है। तो आप देखें ये काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू 4.333, ठीक है, 4.33। सो दिस इज योर काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर सुन लें, ओ का कॉलम आपको गिवन है, पी आई आपको एच नॉट में गिवन है, इस वक्त इक्वल गिवन है, आगे सवाल आएगा तो उसमें अनइक्वल गिवन होगी, बाकी सारा सिस्टम वही होगा। तो फिर आपने क्या किया, पी आई को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया तो ई का कॉलम बन गया, ई का कॉलम बन गया तो अब हमारा मतलब कि दो कॉलम आ गए, एक ओ और एक ई। ओ में से ई माइनस किया तो ओ माइनस ई बन गया, अभी भी हम नहीं रुकेंगे, हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ओ माइनस ई का स्क्वेयर बन गया, अभी भी हमें जो है वो टारगेट में पहुंचना है। अब ओ माइनस ई के स्क्वेयर की हर वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग ई से डिवाइड करेंगे तो ओ माइनस ई का होल स्क्वेयर ओवर ई की इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी, आपने इनका सम कर लेना है, ये का स्क्वेयर कैलकुलेटेड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू, आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम आते हैं अपने क्रिटिकल रीजन की तरफ। अब क्रिटिकल रीजन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमेशा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ही आएगा, सीधी बात, क्योंकि इसमें टू टेल का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो क्या होगा, हम कहेंगे एच नॉट रिजेक्ट तब होगी जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी 4.3 बड़ी होगी टेबल की वैल्यू से, जो टेबल से आएगी। अब टेबल की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी अल्फा के ऊपर काइस करके टेबल में के माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। तो ये के माइनस वन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इसमें के क्या चीज है, दिस इज द मेन पॉइंट, व्हाट इज के। के से मुराद ये है कि आपने काइस करके जब कैलकुलेशन की तो आपने कॉलम की कितनी वैल्यूज को
यूज किया ओ माइनस ई करते हुए, फाइनली कितने और कितने ई इस्तेमाल हुए हैं तो आप गिन लें, ई गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ई इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप ओ माइनस ई करने लगे हैं तो गिन लें कि कितने ओ और कितने ई आप माइनस करने लगे हैं, तो ई गिन लें वो आपने 10 ही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे जाके किसी स्टेज पे आपको बताऊंगा कि क्यों है, ठीक है, बल्कि मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास कोई एक कॉलम, किसी एक कॉलम की ई की वैल्यू किसी एक जगह की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 से कम हो गई तो हम उसे मर्ज करेंगे दूसरे के साथ। तो चूंकि अभी वो नौबत नहीं आई इसलिए आप इसको, चूंकि सारे ये 20.5 से बड़ी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं इसलिए हमें कुछ भी मर्ज करने की जरूरत नहीं, वो अभी आप छोड़ दें उसे। सिंपल ये देखें, ये तमाम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज 5 से बड़ी है ना, अभी तो आप इन्हें काउंट कर लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो के है ये इस वक्त 10 है, के जो है वो 10 है, यानी फाइनल कैलकुलेशन में कितने ई यूज हुए हैं, 10 ई यूज हुए हैं। कितनी कैटेगरीज यूज हुए हैं, 1 2 3 4, ये 10 यूज हुए, मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो जब मैं 10 माइनस, ये देखें 10 में से माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैंने काई स्क्वायर के टेबल के 5% में 9 को देखना है, ख्याल रहे काई स्क्वायर का टेबल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, टी का टेबल नहीं, काई स्क्वायर के टेबल में। अब मैं अपने टेबल वाली फाइल पे जब जाऊंगा तो मैंने काई स्क्वायर के टेबल में जाना है, ये जेड का टेबल है, उसके बाद ये टी का टेबल चल रहा है, ये ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है, ये काई स्क्वायर का टेबल है, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्या देखना चाह रहा हूं कि 5% के कॉलम को मैं 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखना चाह रहा हूं, तो 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, ये 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके नीचे आपका जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9। इधर से मैं इधर जाऊं और ऊपर से मैं नीचे आऊं तो मुझे यहां पे एक वैल्यू मिल रही है 16.919, समझ आ गई, बिल्कुल टी की तरह जैसे देखते थे, और ये वैल्यूज तो आपने वन वेरिएंस की टेस्टिंग में भी देखी हुई है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 5% को 9 में देखा तो 16.919, तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेबल वैल्यू है 16.92 के लगभग आ गई, ठीक है। सो दिस इज योर टेबल वैल्यू। अब कंपैरिजन क्या होगा, हमने क्या कहा था, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल से बड़ी हुई तो इतना रिजेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी नहीं है बल्कि छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एच नॉट रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम एच नॉट एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या कंक्लूजन आएगा कि जी हम एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी प्रोपोर्शन हैं वो सारे 0.10 को इक्वल है। और ये बात क्या थी कि जितने भी डिजिट्स उस रैंडम नंबर टेबल्स के जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस उस टेबल के अंदर सेम है, तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई कि ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इक्वली स्प्रेड इन दैट रैंडम वेरिएबल टेबल। होप दैट कि आपको ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। अ कॉइन इज थ्रोन 1600 टाइम्स एंड 840 हेड्स आर ऑब्जर्व यूजिंग जेड टेस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड, ठीक है, ये तो उसने जेड टेस्ट का कहा है, हालांकि इसको उसने काई स्क्वायर का कहना है, ठीक है, ये करेक्ट आपको मिल जाएगी। तो कह रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट यूज करें, वैसे तो ये जेड टेस्ट से भी हो सकता था, तो आप देखें ये कैसे होगा। अब इसका क्या मतलब है कि दो ही प्रोपोर्शन है, एक हेड है और एक प्रोपोर्शन टेल है, तो मैंने उसको P1 P2 कह दिया, दोनों जो हैं वो इक्वल टू 0.5 हैं, तो कॉइन इज बायस्ड। अब यहाँ मैंने एट लीस्ट का जुमला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हैं ही दो, तो सिंपल क्या कह दिया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब आप देखेंगे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ गई कि जी जब उसने टॉस किया था तो 840 दफा हेड्स थे और बाकी जो 760 हैं वो टेल्स हैं, तो ये हेड्स आ गए टेल्स आ गए, दोनों की प्रॉबिलिटीज 0.5 0.5 आपने एच नॉट से पुट की। ई कैसे निकला, एन इंटू पी, ठीक है, एन कितना है 1600 को, जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा, ये भी 800 आएगा, बाकी सारा उसी प्रोसीजर से आपके कैलकुलेटेड वैल्यू 4 आ गई। जब आप टेबल वैल्यू लेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, क्योंकि दो कैटेगरीज थी तो इसका मतलब है 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 0.05 को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में टेबल में देखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये 3.841, ये बिल्कुल पहले नंबर पर, ठीक,
तो ये 3.841 मिल गई। अब आपकी कैलकुलेटर इससे बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एच नॉट रिजेक्ट करेंगे, यानी कि इसके दोनों प्रॉबिलिटीज ऑफ हेड और टेल आपस में इक्वल नहीं है। जब किसी कॉइन की दोनों प्रॉबिलिटीज आपस में इक्वल ना हो तो इसका मतलब वो बायस्ड कॉइन होता है। ठीक है जी, तो ये एक और सवाल आपने कर लिया। उसके बाद आगे आपके पास सवाल आता है जिसमें मल्टीनॉमिनल प्रोपोर्शंस है, यानी वो इक्वल प्रोपोर्शंस नहीं है, वैल्यूज हैं बट ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस है। बस सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि आपकी एच नॉट के अंदर उन प्रोपोर्शंस की अपनी अपनी वैल्यूज होंगी, यानी पी वन की अपनी अलग वैल्यू होगी, पी टू की अपनी होगी, पी थ्री की अपनी, एंड सो ऑन। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। कहते हैं इन अ जेनेरिक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ पीस, मेंडल ऑब्जर्व 315 राउंड एंड येलो, 108 राउंड एंड ग्रीन, 101 रेगुलर एंड येलो एंड 32 एंगुलर एंड ग्रीन सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स, बट द हिस्ट्री ऑफ द हेरिडिटी कार्ड फ्रॉम फॉर अ 9:3:3:1। ठीक है, ये मेंडल का एक लॉ था जिन्होंने बायो पढ़ी है, मैट्रिक की है, या उसके बाद तो वो मटर के दानों के ऊपर एक बड़ा मशहूर लॉ है, मेंडल ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने यहाँ पे आपके पास चार किस्म के बीज लिए हैं उसके मटर के दानों के, यानी राउंड येलो कलर के, ठीक है, और ग्रीन कलर के वो मटरों के दाने, यानी बिल्कुल फ्रेश दाने और थोड़े से पुराने दाने हैं। लेकिन उनमें दो किस्में हैं, बिल्कुल गोल दाने हैं या उनके अंदर कुछ टेढ़े जैसे टेढ़े मेढ़े दाने हैं, एंगुलर है। तो ये चार किस्में हो गई ना, ठीक है, आर वाई, आर जी, ए वाई, ए जी। तो ये चार किस्मों की फ्रीक्वेंसी देखें उसने गिवन है 315, 108, 101, 32। ये गिवन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या ये जो उसने ऑब्जर्व किया है, क्या उसकी जो थ्योरी वो टेस्ट करने जा रहा था कि असल तमाम मटरों के दानों की इस तरह के कैटेगरीज की रेशो ये होती है, क्या उसके साथ ये मैच करती है या नहीं। तो वो कह रहा है 5% और 1% के ऊपर इसको आप टेस्ट करें। तो ये हमने 5% पे किया हुआ, 1% पे आप खुद इसको कर लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखें जो पीज हैं, ये मैंने तादाद लिख ली, 315 वो हैं जो राउंड एंड येलो हैं, 108 जो हैं राउंड एंड ग्रीन हैं, 101 एंगुलर येलो हैं और 32 एंगुलर और ग्रीन हैं। तो ये हमारे पास रेशो, ये आपके पास असल पीस के जो दाने ऑब्जर्व हुए हैं ये वो हैं। फिर ये रेशोज हैं कि इन्हीं की रेशो जो गिवन है 9:3:3:1, ये वो ला है जिसके तहत उनको टेस्ट कर रहा है। तो अगर आप इन तीनों दानों मल्टरों के दानों को जमा करें तो 556 ये दाने बनते हैं। सो कैपिटल एन 556 हो गया। अब हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, चार कैटेगरीज है हमारे पास, रेशोज का सम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 9 9+3+3+1 इक्वल टू क्या बन रहा है, 16। तो अब ये हर एक कैटेगरी की रेशो क्या बन जाएगी, पहले की प्रॉबिलिटी या रेशो क्या बनेगी, 9/16, दूसरे की 3/16, तीसरे की 3/16, चौथे की 1/16। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मल्टीनॉमिनल प्रोपोर्शन है और इनकी हर एक की मुख्तलिफ वैल्यू है, मतलब अपनी अपनी सेपरेट वैल्यू है, भले ये दो की सेम है बट सेपरेट वैल्यूज है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि एटलीस्ट टू आर डिफरेंट, बाकी सारा सवाल देखेंगे आगे से फिर वैसे ही। तो क्या होगा, आप यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा, अब आपने यहाँ पे लिखा कि आप ये देखें आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई वही जो ऊपर हमने मटरों के दाने ऑब्जर्व किए थे, कैपिटल एन आ गया। अब पी आई क्या आ जाएगा, ये जितनी आपकी ये जो रेशियोज है ना ये आपने एच नॉट से उठा के यहाँ लिख दी और उनको डिवाइड करके लिख दें तो अच्छा है, तो ये पी आई की वैल्यूज आ गई। अब ई क्या आएगा, वही एन पी आई, हर एक इस प्रोपोर्शन को आपने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया और जो जवाब आते गए वो आपने ये ई का कॉलम बना दिया। अब ये सारे ई जो है ना ये आपके 5 से बड़े हैं, वो अभी 5 वाली नौबत नहीं आई ना 5, लेकिन एक नज़र देख लें सब 5 से बड़े हैं, ई की मैं बात करूँ, ओ की नहीं। तो इसका मतलब है हमारी कैटेगरीज हो गई, अब हमने आगे ओ माइनस सी किया और हर ओ माइनस सी का स्क्वेयर किया, फिर उसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग ई पे डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.47 आ गई सम ऑफ दिस कॉलम, ठीक है। सो योर काइस्केयर कैलकुलेटेड इज 0.47। उसके बाद आपने टेबल वैल्यू क्या लेनी है, चूंकि चारों की चारों कैटेगरीज ओके हैं, कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं थी, इसलिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 4-1। तो हमने जब टेबल में देखा अलॉन्ग डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो आपको ये देखें 7.82 मिल रहा है, 7.815 या 2।
ठीक 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट, तो 7.82 मिल गया। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस है, जब लेस है तो ये रिजेक्ट नहीं हो सकती, एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने सैंपल लिया है वो उसकी थ्योरी को जस्टिफाई करता है कि जो रेशियोज उसकी थ्योरी में थी वो उसकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है उसका सैंपल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर, आपने देखा कि हमने असल में क्या किया कि हमारे पास का स्क्वायर का एक ही फार्मूला है, सिर्फ उसके अंदर फर्क पड़ता है कि ई जब निकाला जा रहा है उसमें पी आईज जो हैं वो या तो इक्वल पुट हो रहे हैं या अनइक्वल पुट हो रहे हैं। इक्वल पुट हो रहे हैं तो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन का सवाल है, अनइक्वल पुट हो रहे हैं तो मल्टीनोमियल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप बुक से कीजिएगा या और भी कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं वो आप कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम का स्क्वायर को यूज करेंगे ये टेस्ट करने के लिए कि ये जो डाटा हमें गिवन है इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट होता है, या एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया है, अच्छे तरीके से इसको करें, इन सवालों को खुद एक दफ़ा हाथ से करें ताकि आपको ये बातें समझ आए और आप फिर ऑनलाइन सेशन में सवाल करने के काबिल हो सकें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।